हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पनीर की स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, हम उसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच घी। हमारा तेल गरम हो चुका, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज। अब हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हम गैस को ऑन ही रखेंगे। अब हम ढक्कन को हटा देंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसके ऊपर तेल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मटर। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखें। अब हम इसको हटा देंगे। लेंगे पनीर। पनीर को मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया था। पनीर को हम मटर में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।